23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच एक बार फिर ताजनगरी में मौसम का मिजाज बदल सकता है। कृषि विभाग के उपनिदेशक पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि आगामी दिनों के मौसम को लेकर किसानों को जानकारी दी जा रही है। सर, चूंकि मौसम का जो फसलों पर प्रभाव रहा अब तक अच्छा रहा सामान्यतः, हालांकि कुछ जगहों से आलू पाले की समस्याएं सूचनाएं मिल रही हैं। हमने उनको रात के समय सिंचाई करने की सलाह भी दी है किसानों को, विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति हमने भी दी है। और दूसरा कहीं कि सरसों में एक सफ़ेद फफूंदी का भी रोग कहीं कहीं कुछ जगहों पर प्रकाश में आया है, तो उनको हमने मानक के अनुसार फफूंदीनाशक का प्रयोग करने की सलाह दी हुई है। लेकिन ये एक बार उसको वैज्ञानिक सलाह लेने के बाद ही उस दवाओं का प्रयोग करें और अपनी इच्छा से कोई दवा प्रयोग ना करें। निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र पर या हमारे क्या कहते हैं राजकीय भंडार पर या हमारे केंद्रीय कर्मचारी सलाह लेकर के ही वो कोई दवा का प्रयोग करें और हल्की सिंचाई रात में जरूर करें किसान। और आगे जो मौसम बताएं, अगर बारिश होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें नुकसान नहीं करें। क्या कुछ टीमें बनाई गई हैं, गठित की गई हैं गाँव क्षेत्र के लिए? सर, हमारे हर नया पंचायत स्तर पर कर्मचारी तैनात हैं और उसका हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, हम आपको भी शेयर कर रहे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से शेयर किया हुआ उनको कि इस पर अपनी सूचना भेज करके हमारे कर्मचारी के नंबर पर अगर फोटो भेज देते हैं तो उसको हम उसका जवाब देते हैं कि कैसे क्या समस्या आई। अभी आपको क्या सूचना मिली मौसम को लेकर? सर, अभी तो वर्तमान दो तीन दिनों में ऐसे कोई बारिश 23 से 26 जनवरी में एक संभावना बारिश की दिखा रहे हैं सर। वो जैसे मौसम अपडेट आएगी हम किसानों को सूचित कर देंगे उसकी कैसे तैयारी करें। और अभी अगर बात करें जो उनका किस्त आनी थी उस पर अभी क्या कुछ अपडेट है? सर, अभी काफ़ी किसानों द्वारा KYC नहीं कराया गया है और सर जिस कारण अभी KYC बढ़नी है, 31 तारीख तक सबको KYC और PCI करा लेना है सर।